नमस्कार, मेरा नाम हृदय मेहरा है। आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन गुड़गांव। आज हम बात करेंगे गोदरेज के नए लॉन्च की, जिसकी बहुत बज है मार्केट में। प्रोबेबली अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट फॉलो करते हो तो आपको कोई यूट्यूब वीडियो, कोई व्हाट्सएप में मैसेज या कोई कोल्ड कॉल जरूर आया होगा अबाउट दिस लॉन्च, विच इज़ इन सेक्टर 79। ये प्रोजेक्ट एक 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, गोदरेज होराइजन इसे बोलते हैं, इसका नाम जो रखा है। दिस वुड बी एन एक्सटेंशन टू गोदरेज 101। तो गोदरेज 101 12.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 3.5 एकर्स इन्होंने पहले लॉन्च नहीं किया था, वो अब एक नया प्रोजेक्ट का नाम देके लॉन्च कर रहे हैं। तो ये वीडियो आज मैं इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि आई बिलीव एनी इन्वेस्टर शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। प्रोबेबली एंड कंज्यूमर तो कुछ भी ले सकते हैं, उन्हें रहना है, दे आर नॉट बाइंग इट फॉर एप्रिसिएशन और एनी रिटर्न ऑन देयर मनी स्पेंड, एंड दैट इज़ वाई उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। बट इन्वेस्टर्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रीसेल मार्केट में आपको यही जो लॉन्च में जो ये 11,000 रुपये का लॉन्च का बोल रहे हैं, इसमें कोई इनॉग्रल डिस्काउंट भी दे दिया, तो भी रीसेल में एनी इन्वेंट्री वुड फाइंड एट दिस प्रोजेक्ट वुड बी एट ए 25% डिस्काउंट। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि सेक्टर 79 में मेजर लैंड बैंक M3M डेवलपर का है, इसके ऑपोजिट भी, इसके राइट साइड भी, इसके पीछे भी, तो तीनों तरफ से M3M गिरा हुआ है। मोर देन 100 एकर्स में M3M डेवलप कर रहा है और M3M की अभी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है और लॉन्च भी अभी नहीं हो रहा है इसका। प्रॉबेबली बाई एंड ऑफ दिस मंथ और स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ लॉन्च एक्सपेक्टेड है, बट तभी भी मुझे लगता है कि अगर कोई M3M की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है तो भी हमें ये प्रोजेक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है इन दोनों प्रोजेक्ट्स की, जो M3M के वहाँ पे हैं, वो बहुत नेशन स्टेज में है, तो वहाँ पे अभी वन शुड वेट फॉर 6-8 मंथ्स और एन ईयर, देन ओनली वी वुड बी कॉन्फिडेंट एज कम्पेयर टू देयर अदर प्रोजेक्ट्स जिनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी एडवांस स्टेजेस में है। ये प्रोजेक्ट जो 79 सेक्टर में M3M के हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है, तो इसलिए इस सेक्टर का हाल, अगर M3M को कुछ होता है तो एक डिजर्टेड सेक्टर भी हो सकता है, जो लास्ट 2 महीने से बोल रहे थे कि प्रॉबेबली कुड बी द बेस्ट सेक्टर इन गुड़गांव, उसका उल्टा अगर आप नेगेटिव देखोगे तो रिस्क अवर्स, अगर आप पेसिमिस्टिक होके देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर लेके देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट चारों तरफ से एक ही डेवलपर की है, जो एक ही डेवलपर मेजर डेवलपमेंट कर रहा है। सेकेंडली, जो रीसेल की इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में है। कोई भी बंदा रीसेल में अगर लेता है या 101 उसने सस्ते प्राइस में ख़रीदा हुआ है, तो उनको ऑलरेडी जो भी नई फैसिलिटीज, नया क्लब हाउस कुछ भी बनेगा, देर इज़ एनी थिंग विच वुड बी एडेड टू दिस 3.5 एकर्स दैट वुड बी एक्सेस्ड बाय ऑल द अर्लियर रेजिडेंट्स ऑफ गोदरेज 101। तो मुझे जो लगता है कि एक इन्वेस्टर जो 2-3 साल में एक प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहा होता है, वहाँ पे ये चीज़ एक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और इवन फॉर एन एंड कंज्यूमर, अगर आपको माई वन में ही जाना है एंड यू वॉन्ट टू पे अ 25% प्रीमियम एंड वेट फॉर 4 ईयर्स, देन इट इज़ अ डिफरेंट थ्योरी। बट मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, मार्केट में बज होगा, तो स्टिल इट इज़ अ गुड टाइम टू कंसिडर अ रीसेल इन्वेंट्री इन गोदरेज 101 एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, बिकॉज गोदरेज जैसा क्रेडिबल डेवलपर भी आपको मिल जाएगा और प्राइजिंग भी ज़्यादा नहीं है, अगर आपको सेक्टर 79 विद ऑल इट्स प्रिकॉशन समझ आता है तो। उसके अलावा इन्वेस्टर्स को अगर आपको लगता है कि गोदरेज का ये नया लॉन्च नहीं लेना तो हमें क्या लेना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि अगर आप कुछ रेडी टू मूव इन देख रहे हैं तो रेडी टू मूव इन में आप गोदरेज 101 में रीसेल में देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बस होगा, गोदरेज मार्केटिंग करेगा, 200 यूनिट्स ये लॉन्च कर रहा है, 202 टू बी एक्यूरेट, तो 6 महीने साल भर अच्छी मार्केटिंग रहेगी गोदरेज की तरफ से, तो उसकी वजह से जो रीसेल में आप यूनिट आज ले लोगे 1.5 साल में वो भी थोड़ा प्रॉफिट में आपका बिक जाएगा। गोदरेज के पास नियर अबाउट 20 इन्वेंट्रीज खुद की भी हैं जो अभी बेच नहीं रहे। मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा सा इनका नेशन स्टेज में नया लॉन्च कंप्लीट हो जाएगा, दीज गाइज वुड रिलीज देयर ओल्डर इन्वेंट्री इन 101 एट अ प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़ बेयर मिनिमम, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हमारा नया प्रोजेक्ट
और पुराने प्रोजेक्ट में अप्रिसिएशन आई है तभी कोई नया प्रोजेक्ट लेगा, अगर नए प्रोजेक्ट के रेट बहुत गिर जाएंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो एक वो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन में, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि DLF का आखिरी दीनदयाल है 93 सेक्टर में, दैट इज समथिंग वन शुड कंसिडर। उसके अलावा सिग्नेचर 37D विच इज द फर्स्ट दीनदयाल ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ पे भी रीसेल की इन्वेंट्रीज हैं कुछ जो अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे पता है कि बनना है, आज नहीं तो 2 साल में बन जाएगा, तो उस टाइम पे दिस वुड बी वन ऑफ द न्यूअर इन्वेंट्रीज एट अ वेरी गुड प्राइस फॉर एनी एंड कंज्यूमर हु इज कमिंग टू दैट मार्केट। मैं ये वीडियो बस इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम चैनल पार्टनर्स कंसल्टेंट्स होंगे जो ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे, वो रीसेल की इन्वेंट्री को भी बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट प्राइजेस में ही बताएंगे क्योंकि एवरीबडी इज इंसेंटिवाइज सेलिंग द न्यूअर इन्वेंट्रीज। आई वुड सजेस्ट कि देर आर 3 मोर लॉन्चेस विच गोदरेज इज प्लानिंग टू लॉन्च इन गुड़गांव, आप अगर उनके लिए वेट कर सकते हो तो उनकी लैंड पार्सल्स भी बहुत अच्छे हैं और जो लोकेशन है वो भी अच्छी है, प्रॉबेबली वुड कम एट अ प्रीमियम, बट वो कंसिडर करना और थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के लेना वुड बी अ बेटर डिसीजन दैन गेटिंग इन टू दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई अच्छी न्यूज़ के साथ।